हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5 एम में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं डोसा, और डोसे के साथ में ही हम आपको बनाकर दिखाएंगे आलू की जो इस पे भजिया बनाई जाती है, इसके डोसे के साथ वो बनाएंगे, और उसी के साथ बनाएंगे हम नारियल की चटनी। तो ये जो भाजी हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट जैसे कि ढाबे वाले बनाते हैं, हम उसी तरीके से बनाकर दिखाएंगे, और सेम तरीके से हम आपको नारियल की चटनी भी बनाकर दिखाएंगे जो आपको बनाने में बिल्कुल आसान लगेगी और खाने में सबसे ज्यादा टेस्टी आपको वही लगेगी जिसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भजिया करेंगे। तो इसके लिए हमने ले लिया है आलू, ये हमने आधा किलो आलू लिए हैं, और इसे हमने कर लिया था बॉयल, और इसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसे हमने हाथों की मदद से कुचला है, ये इस तरीके से हमारे छोटे पीस हो चुके हैं। आलू को हमने इस तरीके से छोटा छोटा भजिया के आकार में कर लिया है, और अब हमने गैस पर रख दिया है एक कढ़ाई, और इसमें हमने एक बड़ा चम्मच डाल दिया है ऑयल। ऑयल हमने पहले इसलिए डाल दिया था क्योंकि गर्म होने में थोड़ा देर लगता है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा। ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म है, जीरा हमारे अच्छी तरीके से चटक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, ये हमने 3 लाल मिर्च ले लिए, इसे भी हम इसमें डाल देंगे, और इसे ये भी हल्का सा फ्राई होने देते हैं। हमने ये ले लिया है एक प्याज, ये हमने छोटी प्याज ली है और इसे छोटा छोटा कट कर लिया है। अब हमने ले लिया है अदरक का एक टुकड़ा, और इसे हमने ग्रेट कर लिया है, और साथ में ले लिए हमने 2 हरी मिर्च, इसे भी छोटा छोटा कट कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। और अब हमने ले ली है एक चम्मच राई, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और ये अच्छी तरीके से इसमें चटक जाएगी। सभी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, ये हमने एक चम्मच ले लिया है, इसे भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे, और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें एक छोटा कटा हुआ टमाटर। इसे हम चलाते हुए हल्के हल्के फ्राई करते रहेंगे, और गैस को हम धीमा ही रखेंगे। अब एक चुटकी हम इसमें डाल देते हैं नमक ताकि जल्दी हमारा फ्राई हो जाए और टमाटर हमारे इसमें गल जाए। अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी को हमने इसमें ऐड कर दिया है, और इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच अमचूर पाउडर, ये हमारा छोटा चम्मच है। अब थोड़ी सी इसमें हम ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, या फिर इसमें आप डाल सकते हैं कुटी हुई मिर्च। अब थोड़ी देर के लिए सभी चीज़ों को हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे धीमे धीमे आंच पर। सभी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है ये जो हमने आलू छोटे छोटे कर दिए थे, वो सभी मसाले हमें इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देने हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा एक चम्मच भाजी मसाला, और सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और इसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। पानी हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें मसाले अच्छी तरीके से आलू में मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, ये हमने धनिया की पत्तियां ले ली है, इन्हें हमें छोटा छोटा कट कर लिया है, और इसे अच्छी तरीके से हमने वॉश भी कर लिया था। अब भाजी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, अब गैस को हम यहीं ऑफ कर देते हैं। अब हम बनाएंगे नारियल की चटनी। तो सबसे पहले हमने ले ली है आधी कटोरी नारियल का बुरादा, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ले सकते हैं घिसा हुआ, या साबुत नारियल को भी आप तोड़कर इसे पी सकते हैं। और साथ में हमने ले ली है आधी कटोरी दही, और 3 हमने ले ली है हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब ये हमने ले लिए हैं थोड़े से रोस्ट किए हुए चने। सभी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को हमने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक हम पहले डालना भूल गए थे, तो अब हम इसमें नमक इस टाइम पर ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तड़के के लिए हमने कर लिया है ऑयल गरम, हमने आधा चम्मच ले लिया चने की दाल, आधा चम्मच हमने ले लिया उड़द की दाल बिना छिलके वाली, 1 चम्मच हमने ले लिया जीरा, और 2 हम ले लेंगे लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम तड़के में डाल देंगे, और ये हमारा चटनी का तड़का बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई। अब तड़का बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे हम चटनी में डाल देंगे। नारियल की चटनी भी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम करेंगे डोसे की तैयारी। तो अब हमें करना है डोसा तैयार। तो डोसे के लिए हमने ये होममेड पाउडर तैयार कर लिया है। अगर आपको आप ये बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करिए ताकि हम आपके लिए एक नई वीडियो बनाकर दिखा सकें इस पाउडर की, ताकि आप झटपट डोसा तैयार कर सकें। जिस कटोरी से हमने लिया है ये पाउडर, उसी कटोरी से हमने आधा कटोरी ले लिया है दही, और हम इन दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। दही को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो ये हमने उसी कटोरी से पानी लिया है, तो ये हम 1.5 कटोरी लेंगे क्योंकि हमने 1 कटोरी इसका बैटर लिया है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे क्योंकि इसका हमें पतला घोल बनाकर तैयार करना है।
डोसे का बैटर बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। हमने इसमें 1.5 कटोरी पानी ऐड किया है, तो ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो चुका है। और इसमें इसे आप 5 मिनट के लिए रख सकते हैं या फिर आप तुरंत भी इसका बना सकते हैं। तो गैस पर रख दिया है हमने एक पैन, और इस पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के हल्का सा इस पर पानी का छींटा मार दिया है, और ये हल्का सा हमारा गर्म भी हो चुका है अच्छी तरीके से। अभी जो बैटर है हम इसमें लेकर इस तरीके से फैलाएंगे। ये इस तरीके से बैटर हमें फैला देना है। अब हम इस पर एक ढक्कन रख देंगे 1-2 मिनट के लिए। इसको हमने थोड़ी देर के लिए इसलिए ढका था ताकि अच्छी तरीके से अंदर से भी पक जाता है। और अब हमने इसके चारों तरफ डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल। अब इसे हम धीरे धीरे पलटते हैं। अभी जो भाजी हमने तैयार की थी इसे हम इसे बीच में लगा देंगे, और अब डोसे को हम कर देंगे फोल्ड। और इस तरीके से हमारा डोसा बनके बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हम बनाएंगे और डोसे को। बिल्कुल कुरकुरा हमारा डोसा बनकर तैयार हुआ है। डोसा बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल कुरकुरा हमारा डोसा बनकर तैयार हुआ है। और इसके साथ ये नारियल की टेस्टी चटनी हमने बनाई है, और ये साथ में जो ये भाजी बनाई है बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और ये बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती है, तो आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।